मदरसे की जमीन पर कब्जा, मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। टीकमगढ़ में बड़ा गांव धसान में जमीन के कब्जे को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए एसडीएम टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि पूर्व से सांसा नदी द्वारा इस्लामिक स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथ ही विगत वर्षों से पुराना प्राकृतिक झरना जो पानी का है, जो उसी जगह से निकलता है जिससे तालाब को भरा जाता था, जो अब पूरी तरीके से रोक दिया गया, जिसको लेकर समुदाय द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। मौके पर एसडीएम द्वारा पहुंचकर मामले को समझा गया और निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी गई। लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक वापस भेजा गया। तो वहीं एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा बताया गया कि मुस्लिम समुदाय ने बताया है कि वह जमीन उनकी है और पेट्रोल पंप संचालक द्वारा उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अभी तत्काल से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और दस्तावेजों की जांच उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा। सर, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग बैठे थे धरने पर, किस बात को लेकर बैठे थे, क्या था इनका पूरा? नहीं, कुछ लोगों की शिकायत थी एक स्कूल की जमीन और जो हमारा बाजी में यहाँ पे पेट्रोल पंप से बड़ा गाँव है उसके स्वामित्व को और कब्जे को लेकर विवाद है। तो राजस्व के जो नियम हैं, जो हमारे दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे और उन्होंने भी कुछ साक्ष्य जुटाए हैं, तो उनको बताया गया है और उन्होंने बोला है कि सर आपके समक्ष हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट हैं तो उसकी अपील विधिवत लेते हुए और उसका निराकरण करेंगे। बस ये है कि अभी धारा 144 भी लगी हुई है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसके तहत सबको समझाइश भी दी गई मौके पर, सबने माना भी और सब लोग अभी तत्काल उठे भी हैं, अपना पक्ष रखेंगे, शांतिपूर्ण निराकरण कराएंगे, ऐसा उन्होंने भी। हम बिल्कुल नहीं बनने यार, हमारा मदरसा है, हम पढ़े हैं ही बचपन से, छोटे हो से पढ़े हैं, हमें कहते वो नहीं जाने जगह, हमें पढ़ने तो जाने बंद नहीं होते, आप तो अधिकारी हैं, सब हैं, नाले नाली कभी बंद नहीं होते हैं, बंद कर तालाब में हमारी किसानी के लिए पानी यहाँ से पूरा यहाँ से नाला जाता है, बहुत पानी, हम 8 साल के हते सर, जब से हम इसमें नहा रहे हैं कलब की कुटिया में, ऐसे ही बगल बगल इतनी पानी भरा है। सर सुनो, जे क्या हो गए तो को लड़क तुमने, हम अकेले उसमें जे क्या, हम कुछ नहीं कर